राज्य सरकार ने जयपुर के जेके लोन अस्पताल में प्लाज्मा चोरी केस में ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर सत्येंद्र चौधरी को तत्काल प्रभाव से इपीओ कर दिया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि जेके लोन अस्पताल में लैब टेक्नीशियन द्वारा प्लाज्मा चोरी का मामला सामने आया था। राज्य सरकार ने केस को गंभीरता से लेते हुए लैब टेक्नीशियन किशन साय कटारिया को निलंबित कर दिया था और एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। शुभ्रा सिंह ने बताया कि मामले की जांच के लिए तत्काल प्रभाव से कमेटी गठित की गई थी। नमस्कार, मैं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि ब्लड बैंक के सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग नहीं पाई गई। 7 कैमरे में से प्लाज्मा स्टोर रूम में लगे एक कैमरे के तार कटे हुए थे और अन्य उपकरणों से छेड़छाड़ की गई थी। इस संबंध में अस्पताल प्रशासन को सूचना भी नहीं दी गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर सत्येंद्र चौधरी को कार्य के प्रति उदासीनता और पर्यवेक्षणीय लापरवाही का दोषी मानते हुए राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से एपीओ कर दिया है। लैब टेक्नीशियन किशन साय कटारिया और डॉक्टर सत्येंद्र चौधरी के खिलाफ सीसीए नियम 16 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ था। जेके लोन अस्पताल में प्लाज्मा चुराने का मामला सामने आया था, जिसके बाद चिकित्सा एससीएस शुभ्रा सिंह ने मामले की पूरी रिपोर्ट मांगी थी। दरअसल जेके लोन अस्पताल का लैब टेक्नीशियन किशन साय कटारिया लंबे समय से प्लाज्मा चुराने का काम कर रहा था। वही अस्पताल प्रशासन ने लैब टेक्नीशियन किशन कटारिया को प्लाज्मा चुराते हुए पकड़ लिया और उसने ब्लड बैंक से प्लाज्मा चुराने की बात कबूल की थी। लैब टेक्नीशियन लंबे समय से प्लाज्मा चुराकर अन्य जगहों पर बेच रहा था, लेकिन क्या पुलिस इस मामले में ढिलाई बरत रही है? प्लाज्मा चोरी का मामला एसएमएस पुलिस थाने में दर्ज है। पुलिस इस केस में फरार लैब टेक्नीशियन किशन कटारिया को ही तलाश कर रही है। इसके अलावा पुलिस की ओर से इस मामले में अब तक दूसरे अधिकारी या कर्मचारियों से पूछताछ नहीं की गई है, जबकि सरकार ने इस मामले में अब ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर सत्येंद्र को भी दोषी माना है। पुलिस के सामने अब तक ये तक नहीं आ सका कि यह प्लाज्मा चोरी होकर जयपुर के किन किन अस्पतालों में बेचा जाता था। ऐसे में पुलिस की ढिलाई भी इस मामले में साफ नजर आ रही है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।